स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, जिसमें कि हमको बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन होगा और कौन सा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर इसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमको उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से अगर a1 बाय a2 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 3। फिर यहाँ से b1 बाय b2 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय 3। फिर यहाँ से c1 by c2 निकाल लेंगे तो c1 by c2 क्या है अपना, माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 3 बाय 2। तो हमको यहाँ से क्या मिला, हमको मिला a1 by a2, सिंस करके लिख लेंगे, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो जब भी a1 वन बाय ए टू बराबर होगा b1 वन बाय बी टू और बराबर नहीं होगा c1 वन बाय सी टू के, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन वन का टू नंबर। तो टू नंबर हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, ये प्लस फाइव इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से लिख लेंगे 3x प्लस 2y, ये प्लस 8 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से a1 वन बाय ए टू इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 3। b1 वन बाय बी टू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 2। तो हमको यहाँ से क्या मिला, हमको यहाँ से मिला a1 वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू b1 वन बाय बी टू, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम x वाले को कवर करेंगे, क्या करेंगे, x वाले को कवर करेंगे। तो x वाले को यहाँ से कवर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 8, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 8। फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 5, ये हो गया 2 इंटू माइनस 5। फिर यहाँ इक्वल टू दे करके क्या लिखेंगे, y, तो y वाले को कवर करेंगे। y वाले में अगर आप पहले ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको माइनस साइन यहां नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, माइनस साइन नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी y वाले को कवर करेंगे तो पहले आप अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 इंटू माइनस 8, तो आपको यहाँ पर माइनस साइन पहले देना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको माइनस नहीं लेना है तो पहले आपको नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा, 3 इंटू माइनस 5। तो मैं यहाँ नीचे वाला ले रहा हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 5, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 8। अब हम यहाँ कॉन्स्टेंट वाले को कवर करेंगे, तो कॉन्स्टेंट वाले को कवर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1,
थ्री इंटू वन। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ से x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वन इंटू माइनस एट, क्या आ जाएगा माइनस एट, फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन, फाइव टू जै टेन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y वाला लिख लेंगे, तो y वाला अपना क्या आ जाएगा थ्री इंटू माइनस फाइव, तो फिफ्टीन हो जाएगा, यानी माइनस फिफ्टीन, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन इंटू एट एट, फिर हम यहाँ वन डिवाइड बाई लिख लेंगे, तो वन डिवाइड बाई लिखेंगे तो ये वन इंटू टू, फिर माइनस थ्री इंटू वन थ्री। तो अब हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, x माइनस एट प्लस टेन क्या हो जाएगा टू, इक्वल टू y माइनस फिफ्टीन प्लस एट, तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन, और ये हो जाएगा वन, टू माइनस थ्री यानी क्या आ जाएगा माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, x वाले को कॉन्स्टेंट वाले के साथ एक बार इक्वल लेंगे, फिर y वाले को कॉन्स्टेंट वाले के साथ इक्वल लेंगे, तो हो जाएगा x बाई टू इक्वल टू वन डिवाइड बाई माइनस वन, को हम माइनस वन लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस टू। फिर हम y वाले को इक्वल लेंगे, तो y माइनस सेवन इक्वल टू ये वन माइनस वन यानी माइनस वन, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस सेवन, तो y इक्वल टू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सेवन। तो हमारा जो क्वेश्चन वन का सेकेंड नंबर था वो सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ क्वेश्चन थ्री को सॉल्व कर लेते हैं। वन का क्वेश्चन थ्री क्या है, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेंटी, तो ये प्लस ट्वेंटी इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो हम क्या लिख लेंगे माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पर है सिक्स एक्स माइनस टेन वाई, ये प्लस फोर्टी इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से ए वन बाय ए टू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी क्या आ जाएगा वन बाय टू। फिर हम यहाँ से बी वन बाय बी टू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव डिवाइड बाय माइनस टेन, माइनस माइनस कैंसिल, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, तो ये भी क्या आ जाएगा वन बाय टू। फिर हम यहाँ सी वन बाय सी टू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी डिवाइड बाय माइनस फोर्टी, तो माइनस माइनस कैंसिल, ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी, ट्वेंटी टू जा क्या हो जाएगा फोर्टी, तो ये भी क्या आ जाएगा वन बाय टू। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, हमको यहाँ से मिला ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन फोर को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर जो है हमारा क्या दिया हुआ है, वो है x माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, फिर है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ से a वन बाय ए टू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वन बाय थ्री, फिर यहाँ से b वन बाय बी टू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस थ्री, तो थ्री थ्री सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, यानी हमको क्या मिला ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, तो ये क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्या होगा, पहले x वाले को कवर करेंगे, तो x वाले को कवर करेंगे तो डिवाइड बाय क्या लिख लेंगे, x वाले को कवर किए माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन, तो हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, तो x वाले को कवर की, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन,
माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन, अब क्या करेंगे y वाले को कवर कर लेंगे, y वाले को कवर किए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाला पहले लेना है, ठीक है। अगर आप नीचे वाला पहले नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाला पहले लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। तो हम नीचे वाले को पहले ले रहे हैं तो इस वजह से माइनस नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू माइनस सेवन, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा वन इंटू माइनस फिफ्टीन, वन इंटू माइनस फिफ्टीन, फिर यहाँ वन वाला क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाय, कॉन्स्टेंट वाले को कवर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, हम यहाँ से लिख लेंगे x डिवाइड बाय माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन, तो फिफ्टीन थ्री जा कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर्टी फाइव, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, फिर इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रहेगा, और सेवन थ्री जा क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन। फिर यहाँ से y डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, माइनस ट्वेंटी वन डिवाइड बाय ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फिफ्टीन, फिर वन डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं वन इंटू माइनस थ्री, माइनस थ्री, फिर माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री या नाइन, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे x डिवाइड बाय फोर्टी फाइव में ट्वेंटी वन माइनस होगा तो फाइव में वन गया फोर, और फोर में टू गया टू, फिर यहाँ से y डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन, तो इलेवन में फाइव क्या आ जाएगा सिक्स, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा आंसर। फिर यहाँ से वन अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस नाइन सिक्स, तो हम यहाँ से एक बार x वाले को कॉन्स्टेंट के साथ इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा x बाय ट्वेंटी फोर इक्वल टू वन बाय सिक्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय सिक्स, तो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो यहाँ से हमको x इक्वल टू कितना मिल गया फोर। फिर हम क्या ले लेंगे y वाले को एक बार कॉन्स्टेंट के साथ इक्वल ले लेंगे, ये हो जाएगा वन बाय सिक्स, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाय सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन, तो हमको यहाँ x इक्वल टू कितना मिल गया, x इक्वल टू मिल गया फोर, और y इक्वल टू क्या मिल गया हमको माइनस वन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन वन का फोर नंबर सॉल्व हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।